कहें क्या अजब है राहे तरीकत, ना है कुछ सोच न साझे हकीकत। निहा जुल्मत के पर्दे में हकीकत, आया जुल्मत के पर्दे में हकीकत। Great men are not accidentally born, but when the time needs them most, they come, do their job and go. Such is the phenomenon of nature. Shri Ramchandraji Maharaj of Shahjahanpur, our beloved Babuji Maharaj, as he was affectionately called by his associates, was born on Sunday 30th April 1899 in Shahjahanpur. His father, Rai Bahadur Shri Badri Prasad, was a leading lawyer of his time and rose to the position of honorary special magistrate first class. His mother, Jasoda Devi, was a simple and pious lady who had a deep religious bent of mind. Babuji used to refer to his mother as Bhabhi. From an early age, Babuji displayed a craving for spiritual realization which overshadowed all other interests. He was married at the age of 19. His wife was called Bhagwati, who bore him 9 children before she passed away on 29th September 1949. Babuji met his master, Sri Ramchandraji Maharaj of Fatehgarh, Lalaji Maharaj, in June 1922 and instantly accepted him as his master. In his diary, Babuji has noted that since the time he saw his master, Lalaji took the position of God in his heart, and this condition always remained. 14 years after Lalaji's Mahasamadhi in 1931, Babuji began traveling throughout India using the gift of transmission or pranahuti, a yogic technique rediscovered by Lalaji and passed on to Babuji as the basis for the Sahaj Marg system of Raj Yoga. In 1945, Babuji founded the Sri Ramchandra Mission in honor of his master. Convinced that God is simple and can be attained by simple means, he was confident that seekers of every culture and nationality would embrace the simple and effective spiritual practice that he offered. Bhabhi Ma! Bhabhi Ma! 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 मुझे भी पूजा करनी है। तुम्हें भी पूजा करनी है? आओ बैठो। तुम्हार पूजा करी का चाही? हाँ। आओ तुम्हें चंदन का टीका लगा दे। बाजू में लो, हो गई तुम्हारी पूजा। बाबा, आज हमने भी पूजा कर ली। अरे रामचंद्र, आज आपने भी पूजा कर ली? खाना होना खाया? नहीं, मैं अभी खेलने जा रहा हूँ। अरे कुछ खा तो लेते। दादू देखिए, आज हमने भी पूजा कर ली। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं खेलने जा रहा हूँ। जाओ बेटा। ए रामचंद्र। हाँ? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है, मास्टर जी आने वाले। अच्छा, जाता हूँ। भाभी माँ, भाभी माँ, मास्टर जी आ गए। अरे राम बिटुआ, अभी तो मास्टर जी आए नहीं। पहले तुम कुछ खा लो, सुबह से कुछ खाए नहीं। नहीं माँ। तनिक कुछ खा लो, एक गरम गरम फुल्की बनाई दे। मास्टर जी के पास जाना है। अच्छा बिटुआ,
थोड़ी सी उड़द की दाल बनी रही, गुइया की सब्जी बनी है। ठीक है, तुम्हारी तो मन पसंद है। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो कमज़ोर हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, है ना? तो कुछ खा लो, अभी गरम गरम फुल्की उतारते हैं। दही बूंदी का रायता रहीन, गुइया की सब्जी के संग और उड़द की दाल, लो खाए लो। बूंदी का रायता भी खिला देवे। बस माँ मैं जा रहा हूँ। अरे बिटुआ तने खा लो। अरे राम बिटुआ सुनो, मौलवी साहब आपका नाश्ता, तनिक पहले कुछ खा लीजिए। शुक्रिया। अरे बचुआ तुम्हें कुछ खा लो। नहीं माँ आज मेरे पेट में दर्द है। अरे तुम्हारी मनपसंद मटकी और मिठाई बनी रही। मौलवी साहब आज लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं, तो आज फिर रहने ही दीजिए। जैसी आपकी मर्जी। क्या हुआ रामचंद्र को? पिछले दो दिन से काफी बुखार है। अच्छा, कल बहुत उछल कूद की थी आपने? नहीं। अच्छा देखे तो। जोर से सांस लेना दो तीन बार, थोड़ा और जोर से। क्या खाया था इन्होंने कल? आधी रोटी और गुइया की सब्जी खाए रहे। आप जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं कुछ दवाई दे दूंगा, आप उसको लेते रहना, जल्दी अच्छे हो जाओगे। आइए। पिछले दो दिनों में बुखार से काफी परेशान रहा, पूरा बदन जल रहा था। मैं समझ सकता हूँ। अभी कैसी तबीयत लग रही है आपको रामचंद्र की? मुझे तो मियादी बुखार का डर है। क्या हो सकता है इसमें? एक साल का समय भी लग जाए ठीक होने में। आप उनका ख्याल रखिएगा, मैं दवाइयां कुछ भिजवा दूंगा तो आप उनको देते रहना। ठीक है। खाने पीने में किसी चीज का परहेज करना है क्या? हाँ परहेज तो करना पड़ेगा। सुनती हो? जी। अब रामचंद्र की तबीयत कैसी है? बचुआ की तबीयत तो अब संभली लगती है, बस कुछ कमजोरी है। पूरा एक साल हो गया अब तो। जी। अब पुराना लिखा पढ़ा सब भूल भी गया होगा। क्या उसका स्वास्थ्य इस लायक हो गया कि हम उसे विद्यालय में डाल दें? जी। ठीक है, तो कल ही मैं जाके उसे पाठशाला में डाल देता हूँ। जी ठीक है। बच्चों आज हम गणित में
पहाड़ों का पाठ करेंगे। समझ लो, जिसने पहाड़े याद कर लिए उसने गणित की एक अच्छी शुरुआत कर ली। चलो अब हम पहाड़े लिखेंगे और आप उन्हें देखकर लिखिए। अब सब लोग मेरे साथ सात का पहाड़ा दोहराएंगे। सात एकम सात, सात दूनी चौदह, सात तिया इक्कीस, सात चौक अट्ठाईस, सात पंजे पैंतीस। रामचंद्र, तुम बहुत धीमे बोल रहे हो। तुम पहले से ही गणित में बहुत कमजोर हो, थोड़ा ध्यान दो। जी मास्टर जी। बच्चों, अब हम आपको कल के लिए कुछ गृह कार्य देंगे। उसमें कुछ गणित के सवाल हैं जो आपको कल करके लाने हैं, और जो कल करके नहीं लाएगा उसको छड़ी पड़ेगी। जी मास्टर जी। मुझे तो गृह कार्य हुआ ही नहीं, अब तो मास्टर जी की छड़ी पड़ेगी। क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा। क्या करूं बचने के लिए, क्या करूं? ततैया का छत्ता, हाँ इसमें अगर उंगली डाल दूंगा तो मास्टर जी की छड़ी से बच जाऊंगा। उंगली डाल ही देता हूँ। तो आज आप लोग अपना गृह कार्य करके लाए हो, लाइए दिखाइए। शाबाश, बहुत अच्छे। राजू तुम, शाबाश, बहुत अच्छे। अरे रामचंद्र, तुम अब आ रहे हो, क्या हुआ, यहां आओ। गृह कार्य तो किया ना? नहीं मास्टर जी, मुझे ततैया ने काट लिया। अरे ततैया ने काटा है, कोई बात नहीं, आज की तुम्हारी छुट्टी। इससे अच्छा तो मास्टर जी की छड़ी ही खा लेता। बहुत दर्द हो रहा है और जलन भी। अरे ये क्या, एक रुपये का सिक्का। अच्छा प्रधानाचार्य जी को दे देता हूँ। L for lion, M for mango, N for nest, O for orange। प्रधानाचार्य जी ने आपके लिए पत्र दिया है। रामचंद्र जी, मास्टर जी, इधर आओ बेटा। बच्चों, रामचंद्र को कल खेल के मैदान में एक रुपया मिला जो उसने जाकर प्रधानाचार्य जी को दे दिया। उसकी इस ईमानदारी के लिए सब तालियां बजाएं। हमें ऐसे ही ईमानदार बच्चों की ज़रूरत है। जो ईमानदार होते हैं भगवान की हमेशा उन पर मेहरबानी होती है और वो हमेशा उनकी हिफाजत करते हैं। समझ गए बच्चों? धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या किया? इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने कहा कि भाभी माँ, भाभी माँ, आओ राम बेटवा बैठो। कहो माँ, हम पूजा क्यों करते हैं? बेटवा, हम पूजा करते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए। लेकिन मास्टर जी ने तो कहा है कि जो ईमानदार होते हैं उनसे खुदा मोहब्बत करते ही हैं। आपके मास्टर जी सही कह रहे हैं। आओ तुम्हें चंदन का टीका लगावे। नहीं माँ। लगा देवे बेटू? नहीं माँ। तनिक सुनो तो। नहीं। लगा देते।
सुनो रुको राम बिटुआ। ये पूजा पाठ मेरे दिल को छूता क्यों नहीं? क्या ईश्वर को पाने का कोई और भी तरीका है? अब मैं भगवद गीता पढ़कर देखता हूँ। ये भगवद गीता तो हमें पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ, अब हम क्या करें? देखिए गीता पढ़ने से कितना लाभ होता है। ने तद्भासते सूर्यो ने शशांक ने पावक यद गत्वा न विवर्तन्ते तद्धाम परमम। अर्थात वहां ना ही तो सूर्य का प्रकाश होता है, ना ही चंद्रमा और ना ही अग्नि का। जिस धाम में जाकर वापस ना लौटना पड़े वही धाम मेरा धाम है। अरे बिटुआ तनिक इधर तो आओ, यहां बैठो। पंडित जी को प्रणाम करो। खुश रहो। पंडित जी हमार बिटुआ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? राम। बड़ा ही अच्छा नाम है। पंडित जी आज के लिए बहुत परेशान रहत है, कहत है ईश्वर प्राप्ति का रास्ता नहीं मिल रहा और न जाने क्या क्या, हमार तो कुछ समझ नहीं आए, तनिक आप ही कुछ समझाए। बेटा तुम्हारा तो नाम ही राम है। बेटा ये माला रखो, इससे राम नाम का जप किया करो, इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। अब हम जारी रखते हैं जी। शरीरम यद्वाप्नोति यक्षाप कांतिश्वरः गृहं तत्वाणि संयम। राम 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 राम। आज हमें राम नाम जपते हुए 7 दिन हो चले, लेकिन हमें कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। अब हम इसे छोड़कर मूर्ति पूजा करते हैं। ये मूर्ति पूजा तो हमें पीछे धकेल रही है, हमें इसे फौरन छोड़ देना चाहिए। अल्लाह मियाँ, हमने आपको पाने की सारी कोशिशें कर देख ली पर हम कामयाब नहीं हो पाए। अब आप ही हमें एक काबिल गुरु नसीब फरमाए। आप जो भी गुरु हमारे लिए मुनासिब समझेंगे हम उन्हें तहे दिल से अपना मालिक मान लेंगे। भाभी माँ। अरे राम बिटुआ आए गए। वो बाहर पिताजी के साथ कौन बैठा है? अरे बचुआ वो तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा लगे हैं, तनिक जाके उनसे मिल लो, उन्हें प्रणाम प्रणाम कर लेना। और सुनो वो अपना अंग वस्त्र भूल गए हैं तो ये भी दे देना। अरे नहीं माँ वो कोनो महात्मा नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? अरे हम कपड़ा सूंघ के बता देते हैं कि आदमी चाल चलन व्यवहार का है। अरे का बोलत हो, तुम्हारी तो बात हमारी कुछ पल्ले नहीं पड़त। तुम रहने दो, तुम जाओ अपना काम करो, हम ही दे आएंगे। प्रणाम मास्टर जी। आओ रामचंद्र कुर्सी लो बैठो। रामचंद्र ये ऐसे जो तुमने डायनामिक्स ऑफ माइंड पे लिखा है खुद लिखा है क्या? जी मास्टर जी। ऐसे एडवांस थॉट्स तो हमने अपने बीए में पढ़े थे। वैसे तो ज्योग्राफी और लिटरेचर तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं लेकिन तुम इतने अच्छे फिलोसॉफिकल थॉट्स लिखते हो तो मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम मिल्स की यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ो, वहां से तुम्हें बहुत अच्छे ख्याल मिलेंगे। जी
इससे तुम्हें बहुत अच्छे ख्यालात मिलेंगे। धन्यवाद मास्टर जी। हमें ऐसी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए जो हमारी सोच को खत्म कर दें। और भाई अब की बार फसल कैसी रही? ईश्वर की कृपा से फसल तो बहुत ही अच्छी रही है भाई साहब। भैया केसर बादाम का दूध। अरे भाभी जी आपने खाना इतना खिला दिया था और उसके बाद दूध। कुछ नहीं भैया, तनिक दूध ले लो। धन्यवाद। आज रामचंद्र बोले रहे वो आपके साथ छत पर सोएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बिटवा। भाई साहब आपको पता है हमारे इलाज का कार्य बहुत ही अच्छा चल रहा है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं हमसे इलाज कराने। हाँ ये मैं भी काफी दिन से आपसे पूछने की बात सोच रहा था, ये मेसमरिज्म का काम आप करते कैसे हैं? क्या बताएं भाई साहब, अब आपको सब ईश्वर की कृपा है जो हम थोड़ा कुछ कर लेते हैं। अच्छा भाई मैं तो बड़ा थक गया, मैं तो चला सोने, आप लोग बातें करो ठीक है। अरे चाचा जी आपको मेसमरिज्म से उपचार करना आता है ना? हमारे एक दोस्त को भी आता है और उसी से मुझे पता चला है कि ये सही ख्याल की शक्ति को बांधकर उसके प्रवाह से होता है। आप ये हुनर सिखाएंगे ना? तुम अभी बच्चे हो, कहाँ ये इन सब बड़ी बड़ी बातों में लग गए। जाओ हमारे लिए एक लोटा पानी का लेकर आओ। हाँ चाचा जी हम पानी लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद आप हमें सिखाएंगे ना? अरे ये सब सीखना इतना आसान नहीं है, इसको सीखने के लिए तुम्हें हमारा शागिर्द बनकर हमारी खिदमत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम ये विद्या सीख पाओगे। अगर ऐसी बात है चाचा जी तो हम आपको ये अपने आप से ही सीख कर दिखाएंगे, और जब आप अगली बार आएंगे तो हम वो करके दिखाएंगे जो आप भी नहीं कर सकते। आप हमें आजमा लेना। अगली बार हम देख लेंगे। जल्दी करो, पी लो पानी आ गया, पहले मास्टर जी को पानी पिला दो। हेडमास्टर जी का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, अब तक हकीम जी नहीं पहुंचे? चपरासी को भेजा है, हकीम जी को आने में समय लगेगा। अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अरे रामचंद्र ये तो कमाल ही हो गया, तुमने क्या जादू कर दिया? रामचंद्र तूने तो गजब कर दिया। अरे भाई अब किसी की तबीयत खराब होगी तो रामचंद्र को ही बुलाएंगे। हाँ हाँ अरे हकीम जी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई ये कला तो सचमुच अद्भुत है। चलो जल्दी आए गए बिछुआ। हाँ आ ही गई अपने घर बहुरानी। अरे देखो हम मथुरा से बहुरानी ले आए। आओ बहू आओ अंदर चले जाओ बेटा।
पहला जाप तो खत्म हो गया भैया, अब जितनी सामग्री बोले थे हम लाए थे, अब देखते हैं दूसरे जाप में कितना सामान लाना पड़ेगा। अब जितना बोलेंगे उतना तो लाना ही पड़ेगा भैया, कष्ट भी तो दूर भगाना है। हाँ, वो देखिए रामचंद्र भैया आ रहे हैं। राम राम। राम राम भैया। और सब कुशल मंगल जी? ठीक। हाँ। भैया वो आपके वहाँ शांति पाठ चल रहा था, उसका क्या हुआ? अरे भाई क्या बताएं, पंडित को बुलाया था, दान दक्षिणा में खर्च तो बहुत हो गया, फिर पता नहीं लगता, कह गए हैं कि अगले महीने फिर एक जाप होगा। भाई हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि छुटकारा कब मिलेगा। अरे भाई ये सब छोड़ो, मैंने सुना है फतेहगढ़ में एक महात्मा है, जाके देखो, शायद वो आपको कोई नई राह दिखा सकें, शायद आपको कोई फायदा हो। अजी सुनती हो? क्या हुआ? हम अभी फतेहगढ़ के लिए निकल रहे हैं। इस समय? हाँ सुना है वहाँ पर एक समर्थ गुरु हैं, हमें उनसे अभी तुरंत मिलना है। पर इस समय कैसे जाओगे, इतनी रात को तो कोई साधन भी नहीं मिलेगा, और वैसे भी किसी के घर इतनी देर से जाना सही नहीं रहेगा। कल सुबह सुबह निकल जाइएगा। हाँ हम कल सुबह पौ फटते ही चले जाएंगे, तुम ठीक कह रही हो। आफताबे मारफत नूख्तदाने मारफत। पूजा शुरू कीजिए। ध्यान करने पर मुझे अपनी अंदरूनी हालत पहले से बेहतर महसूस हो रही है। आज मुझे अपने गुरु महाराज मिल गए। बस कीजिए। ओम। लालाजी महाराज से पहली बार तवज्जो मिलने पर हमें ऐसा लगा था जैसे हम एक ऐसी हालत तक पहुंच गए हैं जहां हमारी अंदरूनी कैफियत बाहरी फिजा से जुदा जुदा है। ये हालत कुछ दिन तक बनी रही। हमारा ध्यान खुद से ही लालाजी महाराज के रूप पर लगने लगा। ये खुद से ही हुआ और इसके लिए हमने कोई कोशिश नहीं की। SSLC और मैट्रिक एग्जामिनेशन पास करने के बाद हम ध्यान पर ज़्यादा वक्त दे पाए। 6 महीने के बाद हमें ऐसा लगा जैसे हमारा दिल एक सुकून देने वाले नूर से भर गया है और नूर का एक पौधा अपनी शाखों और पत्तियों से रोशनी बिखेरे जा रहा है। इसके 6 महीने बाद एक अजब हालत महसूस हुई। हमारा दिल खुद ही ओम शब्द का जाप कर रहा था। कुछ दिनों बाद ये लहर पूरे बदन में फैल गई। अरे रामचंद्र,
जी हजूर। क्या रात भर यहीं सोते रहे? हमें जगाया क्यों नहीं? आप सो रहे थे तो हम आपको ये जहमत कैसे दे सकते थे। आओ अंदर चलो। बैठिए। और रामचंद्र, अब की बार बड़े दिनों में आना हुआ। हुजूर, मेरे पिताजी यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं देते हैं। तुम्हारी रूहानी हालत कैसी है? साहब, आजकल मेरे दिल से ओम शब्द गूंजता हुआ महसूस होता है। इसको अजापा की स्थिति कहा जाता है, और जब ये तरंग पूरे शरीर में फैल जाए तब इसे अनहत कहते हैं। लेकिन ये तो रामचंद्र ऐसा है जैसे एक बच्चे के हाथ में खिलौना। अभी तो बहुत आगे जाना है रामचंद्र। हर इंसान में कोई न कोई कमी होती है। हमारी नज़र उस इंसान की खूबी पर होनी चाहिए, ना कि उसकी खामी पर। जी हुजूर। ১৯২৪ में हमें एहसास हुआ कि हर तरफ एक ऐसी ताकत है जो जिंदा और मुर्दा शय में फैली है। हम हैरानी के मंजर में डूब गए। ऐसा लगा जैसे सभी कुछ अल्लाह के नूर से रोशन है। उन्हीं दिनों गर्मियों की छुट्टी में हमें ताश खेलने की ऐसी लत लग गई कि हम सोते वक्त लाला जी महाराज को याद करने के बजाय ताश के बारे में ही सोचने लगे, और हमें ताश खेलने के सपने आने लगे। गुरु महाराज ने सपने में आकर हमें एक दिन फटकारा और कहा कि हमें ताश खेलना छोड़ना होगा। तब से हमने कभी ताश नहीं खेला। इसके बाद हमारी अंदरूनी हालत में और तरक्की हुई, और फिर हमारे दिल में खुदा की जगह लाला जी महाराज ने ले ली, और यह हालत हमेशा बनी रही। प्रकाश की माँ, आज हमारी कचहरी में नौकरी लग गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिर आपकी मेहनत सफल हुई। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि अब यह इम्तिहान का झंझट खत्म हो गया। अब मैं अपनी साधना के लिए ज्यादा वक्त निकाल पाऊंगा। ये तो है। साहब, एक नए मुलाजिम की नियुक्ति हुई है आपके दफ्तर में। देखें क्या नाम है इसका, क्या जात है। रामचंद्र सक्सेना, ये तो एक कायस्थ है। क्या दिन आ गए हैं, अब एक कायस्थ भी इस दफ्तर में रहेगा। साहब, कुछ दिन के बाद काम काज संभाल लेंगे। गिरधारी, जरा ऐसा करना, वो 19/34 नंबर वाली फाइल तो लेके आ मेरे पास। राम राम बड़े बाबू, मेरा नाम रामचंद्र सक्सेना है और मैं आपके दफ्तर में मुकर्रर हुआ हूँ। अच्छा, तो तुम ही वो सक्सेना हो। जी ठीक है भैया, वहाँ बैठ जाओ उस कुर्सी पर। जी अच्छा। बड़े बाबू, ये सब काम हमारे लिए नया है। इससे पहले हम दूसरे दफ्तर में थे। अगर आप ये काम सिखा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई, ऐसा है, ये काम वाम सिखाना जो है ना, हमारा काम नहीं है। वैसे भी तुम कायस्थ हो, और कायस्थ लोगों से हम वैसे ही दूर रहते हैं। आप जाइए,
वहीं बैठ जाइए। दोनों जहान के काबिले ताजीम रहनुमा, आपकी उम्र लंबी हो। तस्लीम के बाद अर्ज है कि यहाँ सब खैरियत है। हमें यकीन है कि आपकी मेहरबानी एक दिन ज़रूर इस हकीर की नैया को उस पार लगाएगी। हमारे दिल से खुदी या मैपन का ख्याल मिटने लगा है। लखनऊ के सफ़र से लौटने के बाद हम पर सब ब्रह्मय की हालत छा गई। उसके बाद खुद सुपुर्दगी और नरमी का ख्याल हमेशा बना रहा। सभी बातें मालिक की रज़ा पर छोड़ दी गई हैं। कुछ रोज़ बाद ये हालत भी गायब हो गई। इन दिनों हमारे दिल को कोई खौफ नहीं रहा, मगर इस हिम्मत के साथ ज़रा सा उतावलापन भी महसूस करता हूँ। बेकार के जज्बातों से निजात मिल गई है। दिमाग में न कोई बेचैनी है और न ही किसी एक ख्याल पर मन टिका होता है। ना तो लय होने की चाहत है और न ही जुदा होने की तमन्ना। ऐसा लगता है कि ख्याल खुद आप ही में पिघल गया है। दिल को न कोई परेशानी है न गम, न कोई खुशी है और न ही कैफ। ऐ रुदादे दिल, कम से कम तू तो मुझे असलियत से रूबरू करवा। ये पहेली क्या है, मेरी समझ में नहीं आती। ऐसा महसूस होता है कि सर से पैर तक हम में कोई रूहानी ताकत रमा है और अपना काम कर रही है। दिमाग कुछ तेज हो गया हो जैसे। ध्यान करने पर गहरी अंदरूनी हालत का भी अंदाजा हो जाता है, पर हम हर हालत को नकारते जाते हैं और उनके लिए बेफिक्र से रहते हैं। आपका रामचंद्र। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए बड़े बाबू। शुक्रिया हुजूर। हुजूर, आपसे एक दरख्वास्त करनी है। फरमाइए। हुजूर, हमारे दफ्तर में जो वो नया मुलाजिम आया है ना, रामचंद्र सक्सेना नाम है उसका, वो किसी काम का नहीं है। अच्छा। क्या बताऊँ, उसे मैंने हर काम बहुत बार समझाया पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। अच्छा। हर काम में छोटी छोटी गलतियाँ करता है। बेहतर होगा हुजूर, आप उसे वहां से हटवा ही दीजिए। ठीक है, हम गौर करेंगे। शुक्रिया हुजूर। बड़े बाबू, हम आपके लिए आज अपनी मनपसंद चीज़ लाए हैं, मठरियाँ, वो भी मिर्ची वाले अचार के साथ। आज तो आपको खाना ही पड़ेगा। अरे भाई देखो, इसकी इतनी मजाल हो गई कि हमारे साथ खाना खाने के ख्वाब देख रहा है। एक तो भैया तुम वैसे ही कायस्थ हो, और हम कायस्थों के हाथ से लिया हुआ कुछ कभी नहीं खा सकते हैं। मुझे माफ करो, अब आप जाइए और अपना काम कीजिए। पिताजी। आओ रामचंद्र, बैठो। तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? हम ये नौकरी छोड़ना चाहते हैं। क्यों? हमारे दफ्तर में एक बड़े बाबू हैं जो कि हमें जात पात के नाम पे पिछले कई सालों से परेशान कर रहे हैं, और अब तो बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो फिर हम खुदकुशी कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम फौरन ये नौकरी छोड़ दो। वैसे भी ये नौकरी तुम अपने शौक के लिए कर रहे हो,
भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, ठीक है? और इन बातों से इतना परेशान नहीं होते, जाओ आराम करो। दोनों जहान के काबिले परस्तिश रहनुमा, आपकी उम्र लंबी हो, हम में इन दिनों तीन बड़ी खामियां हैं। पहली, हमने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, जिससे हम हमेशा नफरत करते थे, पर हम ये नहीं समझ पाते कि हम ऐसा क्यों और कैसे करते हैं। दूसरी खामी जो हमने नोट की है वो है हमारा अपना अहम। आपकी मेहरबानी और मोहब्बत की वजह से हम में इतनी समझ हो गई है कि अहम के हमले के पहले ही हमें उसके साए की भनक लग जाती है और हम उसकी आमद को महसूस करने लगते हैं। फिर भी हम कुछ हद तक उसके चंगुल में फंस ही जाते हैं। और तीसरी बात है वासना, जो हमारे जिस्म में दौड़ रही है, लेकिन ये हमें अपने आगोश में नहीं लेती। मौत, जिससे सारी दुनिया खौफ खाती है, हमारे लिए खुशी का सबब बन गई है। अब तो लगता है कि जाने कब मौत नसीब होगी और वो मुस्तकिल चैन और सुकून हासिल होगा। हमारी हालत इस तरह है कि कभी हम खुद को सबसे ऊंची चोटी पर महसूस करते हैं और कभी अपने पाँव के पीछे की चीज़ को भी देखने में नाकामयाब रहते हैं। कभी तो हम अपने को एक सूक्ष्म हाल में पाते हैं और कभी बुरे ख्याल हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। हम ही गुरु हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं। कुछ वक्त के लिए हम इसी ख्याल में खोए रहते हैं, पर बेपनाह हिम्मत होना और ऐसे ख्यालों का आना हम अहम समझते हैं। इसलिए हमने हल्के ख्यालों की तरफ ध्यान बनाए रखा। ऐ मेरे जहां को रोशन करने वाले, अब आप ही मेरा दर्द बन गए हैं। हम घर में इतना परेशान किए जाते हैं कि कभी कभी घर से भाग जाने या खुद ही को नुकसान पहुंचाने का दिल करता है। गुस्सा छोटी छोटी बातों पर भी आ जाता है, लेकिन जब ये उतर जाता है तो कोई बैर या नफरत नहीं रहती, बल्कि हमें उसके पांव छूने तक की तमन्ना होती है। मालिकपन और बेइंतहा ताकत का ख्याल सदा मौजूद रहता है। जैसे हमारी ही वजह से पेड़ फल फूल रहे हैं, हम ही हर जिरूह में जान डाल रहे हैं, दुनिया के सारे कामकाज हमारी ही कुव्वत को जाहिर करते हैं। हम सारी कायनात के मालिक हैं, आफताब की ताब हमसे ही है। ये जहान और ये कुदरत हमारे ही बनाए उसूलों पर चल रहे हैं। अलगाव का पर्दा हट गया है। हम खुद हर लम्हा इंसान की बेहतरी की दुआ करते हैं। हम बाहर और अंदर एक सी ही हालत महसूस करते हैं। आपका रामचंद्र। मेरे प्यारे भाई, आपकी तरक्की की दुआओं के साथ मेरा ये कहना है कि जो कुछ आपने अपनी तरक्की के बारे में बयां किया है, खुदा बनाए रखे। ये सब अहम की निशानी नहीं है, बल्कि काबिले जोश है। आपको उन हालतों का एहसान मंद होना चाहिए, ये फिर गायब हो जाएंगी। खुदा की इनायत के अलावा ये नीमत किसी और ताकत से हासिल नहीं की जा सकती। अगर इसे खुदा का कर्म ही माना जाए तो ये अहम नहीं होगा। घर तहजीब और सब्र सिखाता है, इसलिए गुस्से और गम के बजाय इंसान को गैरत का सहारा लेना चाहिए। गैरत ऐसी हालत है जिसमें इंसान खुद ही को कसूरवार समझता है, हालांकि हकीकत में वो कसूरवार नहीं होता। औरों के लिए भले ही बैराग, तन्हाई और दश्तो सहरा गमे दुनिया से निजात पाने के तरीके हों, लेकिन हम लोगों के लिए रिश्तेदारों, दोस्तों और दुनिया के ताने, जिल्लत और डांट फटकार ही असली इबादत है। एक वक्त था जब मुझे इस बात की फिक्र थी कि मेरे साथियों में से अगर कोई भी ऐसी तरक्की ना कर पाए जो पूरे जमाने के संतों के पांव की गर्द के लायक भी ना हो,
तो कम से कम ऐसा तो न बने जिससे मुझ नाचीज के दामन पर कोई दाग लग जाए। खुदा की मेहरबानी है, संतों की दुआओं से अब ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वे लोग खुदा की दुआओं का लुत्फ उठाने लगे हैं, और ये भी बहुत मुमकिन है कि आप भी उनमें से एक हो। ये सब संतों की देन है। Come in. अरे रामचंद्र, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। ये क्या है रामचंद्र? साहब, हम आपको अपना इस्तीफा सौंपने आए हैं। नहीं रामचंद्र, ऐसी क्या बात हो गई जो आप इस्तीफा देना चाहते हैं? साहब, कुछ परेशानी है, आप जाने दीजिए, आप खामखा ही परेशान हो जाएंगे। देखिए रामचंद्र, हम जानते हैं तुम एक बहुत ईमानदार मुलाजिम हो, हमें तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी और कहाँ मिलेगा। आप बताइए क्या परेशानी है, हो सकता है हम आपकी मदद कर पाएं। साहब, हमारे दफ्तर में जो बड़े बाबू हैं वो हमें बहुत परेशान करते हैं, कुछ काम सिखाते नहीं और साथ में हमें जात पात के नाम पर बेइज्जत भी करते हैं। बस इतनी सी बात? तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें सारा काम सिखाएंगे और हमें पूरा यकीन है तुम बखूबी से ये काम कर पाओगे और तरक्की भी पाओगे। ठीक है साहब, हम आपकी बात टाल तो नहीं सकते हैं, अगर आप कहते हैं तो हम एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे, और हम आपसे वायदा करते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बहुत खूब। ठीक है साहब। दोनों जहान के काबिले परस्तिश रहनुमा और मालिक, आपकी उम्र लंबी हो। तस्लीम के बाद हम अपनी डायरी पेश कर रहे हैं जो हमारी हालत पर रोशनी डालती है। कायनात के जर्रे जर्रे में हम पोशीदा असली चीज़ को महसूस करने लगे हैं। ये हालत बहुत सूक्ष्म होती जा रही है, इसलिए अब ये अनुभव भी बहुत हल्का और बारीक होता जा रहा है। अपनेपन का एहसास बिल्कुल गायब हो गया है। आपकी इनायत से हम अब किसी भी चीज़ से लगाव नहीं महसूस करते। हमने सभी जंजीरों की कैद से छुटकारा पा लिया है। दुनिया एक सोचा समझा और सिलसिलेवार तमाशा जान पड़ता है। अपने नौकर के लिए हमारे दिल में वही इज्जत है जो पिताजी के लिए है। अब यूं लगता है जैसे हम और वो जुदा नहीं बल्कि एक ही हैं। हम जिस्म हैं और वो रूह। गोया ये शेर मेरी हालत को खूब बयां कर रहा हो, जैसे मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदी तू जान शुदी, ताका ना गोयद बाद अजी, मन दी घरम तू दी घरी। मैं तू हो जाता है और तू मैं जिस्म हो जाता हूँ और तू जान, जिसे कोई ये न कह सके कि मैं और तू जुदा जुदा हैं। फरवरी 1930 से मैं ही ब्रह्म हूँ का एहसास होता रहा, और मार्च 1930 में महसूस होने लगा जैसे सब ब्रह्म है। अब हमारे अंदर और बाहर एक सी हालत बनी रहती है, सब जगह संभाव की दशा छाई रहती है। ऐसा लगता है कि असलियत जाहिर की जा रही हो, जैसे आपका रामचंद्र। हुजूर, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए बड़े बाबू, आइए। हुजूर, आपकी फाइल। बैठिए। देखो बड़े बाबू, वो दिन रामचंद्र के बारे में तुम बहुत भला बुरा कह रहे थे, लेकिन काम सिखाए जाने के कुछ ही दिनों बाद उसने बड़ी तरक्की कर ली है। अपने काम के अलावा और भी काम सीख लिया है और उन्नति पाई है। हो सकता है हुजूर, मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं चलूं हुजूर? ठीक है, जाइए। शुक्रिया हुजूर।
मेरे प्यारे भाई, खुदा आपको लंबी उम्र अता करे। आपकी हालत को बयां करता हुआ आपका ख़त मिला, जो मेरे लिए बया से मसर्रत था। नूरे इलाही का उतरना उस खुदा की आप पर इनायत है। सब ब्रह्म हैं कि हालत महज एक पैराव की है, आखिरी मंजिल नहीं। यह दायमी है, मुस्तकिल नहीं। किसी को इस हालत में ठहरना नहीं चाहिए। खुदा ने मदद की तो आपको इस हालत के पार उतरने की खुशखबरी मिलेगी। खैरंदेश रामचंद्र। अरे भाई, बड़े बाबू के बेटे का सुना? उनका इंतकाल हो गया है। हाँ भाई, पता तो चला। अरे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लगता है अल्लाह का कहर टूट पड़ा है उन पर। आप लोग तो जानते ही हैं कि बड़े बाबू ने कितना परेशान किया है उसको, लेकिन वो रामचंद्र बेचारा सालों तक उनसे बेइज्जती सहता रहा, लेकिन कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। सच कहते हो भैया, किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। उसको खुदा का खौफ भी ना था। देखिए ऊपर वाले ने उसे कैसी सजा दी है। भाई लेकिन रामचंद्र को मानना पड़ेगा, जिसने उसके बाद भी बड़े बाबू के बेटे को उनके इंतकाल के बाद उनकी जगह नियुक्ति दिलवा दी थी। लेकिन अब वो भी नहीं रहा। अरे भाई, परसों की ही तो बात है, बाबू रामचंद्र को तरक्की मिल रही थी, उन्होंने यह तरक्की लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यह तरक्की उनके साथी को मिलनी चाहिए, जिनकी नियुक्ति उनसे 4 दिन पहले मुकर्रर हुई थी। भाई, आज के ज़माने में ऐसी ईमानदारी देखने को कहाँ मिलती है। ठीक कहा भैया, मुझे लगता है रामचंद्र अल्लाह का ही बंदा है। उन्हें बाबू कहना ठीक नहीं। आज से हम उन्हें बाबूजी कहकर बुलाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें उन्हें बाबूजी ही कहना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों जहाँ के काबिले परस्तिश रहनुमा और मालिक, आपकी उम्र लंबी हो। हमारी हालत इन दिनों एक बिना पर के परिंदे जैसी है। खुदा की रियासत हमारी पहुँच से बहुत दूर नज़र आती है। हाँ, उसकी अजीम शान व शौकत की छाप दिल पर हमेशा छाई रहती है। हमें एक शेर याद आता है, नौ आसमानों की मंजिलों की समझ अपने पैरों तले रखती है, जिससे वो काजिल अरासा के रकाबों को चूम सके। इस शेर में समझ कम से कम रकाबों तक पहुंच जाती है, पर इस हकीर की हालत ऐसी है और दिमाग में इतनी ज़्यादा बेबसी और नरमी है कि वो हालत आ गई है जिसमें ढाल फेंक देनी चाहिए। चस्पा होती हुई मालूम पड़ती है। ये फकत उसकी इबादत में सर झुकाकर खामोश रहने की जगह जान पड़ती है। किसी ने ठीक ही कहा है, कोई हरकत न हो क्योंकि कचहरी शाही है। हमारी हालत ठीक पानी की तरह है। पानी में कम से कम हवा के कारण लहरें तो उठती हैं। यहाँ तो दुनियादारी और सरकारी फर्ज निभाते वक्त भी दिल में कोई एहसास नहीं जागता। वृत्तियाँ और इंद्रियाँ अपनी जगह पर हैं और उनके ठीक तालमेल से काम पूरा हो जाता है। होशो हवास यूं खामोश है गोया कहीं कोई मातम हो। हमें ज़रा भी महसूस नहीं होता है कि कभी हमने इल्म इलाही हासिल किया हो। हम अब बिल्कुल नहीं के बराबर रह गए हैं। जो भी कैफ है अब वो खुदा से ही है। अगर हम अपनी हालत को कुछ भी नहीं का नाम दें तो शायद सही ही होगा। अब हालत वैसी ही है जैसी शुरुआती दौर में थी। इसका मतलब ये मालूम पड़ता है कि हम घूमकर उसी बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां से हम चले थे। हमें लगता है कि आपकी मेहरबानी से बुलबुले की आंखों ने पानी के चेहरे को देख लिया है। हम अपनी मौजूदा हालत को एक खुदाई राज की तरह महसूस करते हैं। अगर यह हालत किसी अजनबी को बताई जाए तो कभी भी भरोसा नहीं करेगा, और अगर वो इस पर भरोसा कर भी ले तो रास्ते से भटक जाएगा।
ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि कबीर दास जी ने अपने होनहार शागिर्द धर्मदास जी को इन अल्फाज में आगाह किया था। धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार भेद बाहर नहीं जाई। प्यारे भाई, खुदा आपको तवील उम्र अता फरमाए। खुदा का शुक्र है कि आपका खत खुशी का पैगाम लाया। एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि आपके खत में पूछे गए हर सवाल के आखिर में एक हिस्सा ऐसा होता है जो खुद ब खुद ही जवाब है। यही बात आपके आखिरी खत में भी है। ऐसे खत का जो खुद आप ही में जवाब हो का जवाब देना मुश्किल है। शुरुआत में जो हालत मौजूद थी आखिरी मुकाम पर वही हालत मालूम होती है। जो इब्तिदा थी अब इंतहा भी वही है। जो पहले था वही आखिरी है। हैरतन यही हकीकत है। रूह जिस मुकाम से चली थी वहीं लौट आई है। अगर इस हकीकत को तफसील से बयां किया जाए तो एक सहीफा या किताब लिखी जा सकती है। मगर मेरी इबादत भी मुझे रोकती है क्योंकि ये एक खुदाई राज। बाबूजी आपका पत्र आया है। अरे बिटिया, पत्र आया है। अच्छा, ये लो लड्डू। प्रशिक्षक सोई जज्बाती हालतों को प्राणाहुति और कैफ की मदद से दोबारा हरकत में लाते हैं। हमारी संस्था की तालीम में वो इसे एक गहरे रूहानी नशे या जज्ब से शुरुआत करते हैं और इसके सब पहलुओं से गुजार कर वो शिष्य को सुलूक यानी रूहानियत की राह पर ले आते हैं। फिर वो सुलूक की सारी हालतों से गुजरते हैं और यही आखिरी सुलूक है। संभाव की वही हालत जो इंसानी दिलों और रूहों में शुरुआत में चली आई थी फिर से आ जाती है। बीच की हालतें और दर्जे फकत लहरें हैं। उनसे ये नहीं जाना जा सकता है कि सुकून क्या है और कहाँ मिलेगा। अब हकीकतन आदमी इंसान हो जाता है जबकि इससे पहले वो आदमी की शक्लो सूरत में महज एक जानवर था। हकीकत लहरों में नहीं मिलती। यहाँ इब्तिदा और इंतहा का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो है सो है। बच्चों को दुआएं और सबको सलाम। रामचंद्र, फतेहगढ़ से। ये लीजिए, काढ़ा पी लीजिए। आराम से। दीनन दुख हरन नाथ, दीनन दुख हरन नाथ, संतन हितकारी अजामील गिध व्याध, अजामील गिध व्याध, इनमें कहो कौन साध। अजामील गिध व्याध।
अजामील किध व्यास, इनमें कहो कौन साध पक्षी, रूपद पढ़ात पक्षी, रूपद पढ़ात गणिका शिकारी, दीनन दुख हरन नाथ, दीनन दुख हरन नाथ, संतन हितकारी। आज हमें अपने माथे में एक बिंदु जगा हुआ महसूस हो रहा है, अनंत शक्ति का एहसास हो रहा है। ये लग रहा है कि बेइंतहा ताकत हमारे मालिक हम में फिर से कायम कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी कमजोरी महसूस हो रही है, वहाँ मालिक हम में ताकत भर रहे हैं। लाला जी साहब की महासमाधि की खबर से हमें ऐसा सदमा पहुंचा जिसका असर ताउम्र रहेगा। खबर मिलते ही हमने फतेहगढ़ जाने के लिए दफ्तर से छुट्टी ले ली, लेकिन एकाएक हमें दस्त होने लगे और हम फतेहगढ़ नहीं जा सके। हालत कुछ दिनों बाद इतनी ख़राब हो गई कि दस्त ने हैजे की शक्ल ले ली। एक महीना होने को है, दवाइयों का कोई असर नहीं। अब दस्त का क्या हाल है? अब भी चल रहा है। एलोपैथी की दवा बंद कर दो। जी, आप जैसा ठीक समझें। तुम्हारी रूहानी हालत कैसी है? ये आप ही जानते हैं। क्या ऐसा है? जी हाँ हुजूर। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जिस्म सिर से पांव तक रूहानी ताकतों से भर गया है। महसूस होता है कि हमारा दिल फटने की कगार पर पहुंच गया है। रूहानी दर्द महसूस हो रहा है। अगर अब लाला जी साहब ने तीसरा झटका दिया तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर ये ठीक नहीं है कि हम गुरु महाराज से प्राणाहुति रोक देने की मिन्नत करें। मेरे मालिक, अगर हमारी मौत भी हो जाए तो हमें परवाह नहीं। खाकी है मगर इसके अंदाज है अफलाकी, रूमी है नशामी है काशी न समरकंदी, सिखला दी फरिश्तों को आदम की तड़प इसने, आदम को सिखाता है आदाब खुदाबंदी। इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। चीजें चलती रहीं, वे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती गईं। लगभग अखलाक हर एक सूक्ष्मतर हालत अगली सूक्ष्मतर हालत के मुंतजिर थी। ऐसा वक्त आता है जब तंग नजरी से उसत्य ख्याल पैदा होता है और एकला महदूद शक्ल इख्तियार कर लेता है।
मालिक के फैज से हमने हर दिन एक नई जिंदगी पाई। हम नहीं जानते कि लफ्ज जिंदगी हमारी सही हालत के मायने हैं भी या नहीं, इसलिए रोज नामचा सालों तक खाली पड़ा रहा। न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। अपने मन में डूब डूब, अपने मन में डूब डूब जा, अपने मन में डूब डूब जा, अपने मन में डूब डूब जा, अपने मन में डूब डूब जा। मन की दुनिया, मन की दुनिया, सोजो मस्ती जज्बो शौक, तन की दुनिया, तन की दुनिया, सूदो सौदा मकरो फन। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाव है, आता है धन जाता है धन। देख अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर। दया रे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। शनास दे तुझको खुदा, अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। दया रे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दया रे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। जब तक कुदरतन एक नहीं हुई तब तक चीज़ें अलग अलग रंगों में रवा ही रहीं। ये वही हालत है जिसे हम आसानी से रंगविहीन हालत कह सकते हैं। इसके बाद उस हालत ने उठना शुरू कर दिया जो अक्सर बदलती नहीं थी। कुछ वक्त तक यही हालत बनी रही और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उस हालत के ख्याल ने ही विदा ले ली। मुझे नहीं मालूम कि बाद में क्या हो गया। हम चुप थे, दुनिया खामोश थी, कुदरत भी खामोश, और एक तरीके से हम खुद ही खामोशी का ज़रिया या औजार बन गए। हम भी चुप, वो भी चुप, रात भी चुप, चांद भी चुप, सभी गुम हुआ बस एक ही पैमाने में। कौन है? प्रणाम गुरुजी। अरे शिवानंद, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो, कहाँ थे इतने दिन? मैं कुछ दिनों के लिए शाहजहांपुर रहकर आ रहा हूँ। आओ बैठो। जी। शिवानंद जी, तुम्हारी आंतरिक स्थिति तो बहुत अच्छी जान पड़ती है। क्या किसी संत ने तुम्हें प्राणाहुति दी है? जी गुरुजी, मैं 3-4 दिन के लिए फतेहगढ़ के महात्मा श्री लालाजी महाराज जी के शिष्य श्री रामचंद्र जी के पास रहा हूँ। उन्होंने मुझे 3-4 बार प्राणाहुति दी।
मैं उनके गुरु लालाजी महाराज को जानता हूं। तुम्हें मेरा एक महत्वपूर्ण काम करना होगा। जी गुरुजी। तुम वापस शाहजहांपुर रामचंद्र जी के पास जाओ और उन्हें मेरा यह संदेश देना कि अब वो वक्त आ गया है जब उन्हें अपने गुरु का प्रतिनिधित्व करना होगा। मुझे अपने काबिले परस्तिश रहनुमा लालाजी महाराज की किसी बात की नकल करनी चाहिए। तुमने अनजाने में मेरी अंदरूनी हालत की नकल कर ली है। ऐसी काबिलियत और किसी में नहीं थी। मैं रूहानी और दुनियावी जिंदगी के बारे में अपने ख्यालों से तुम्हें आगाह कराता रहूंगा। जी, ये आगे जाकर हमारी संस्था की बुनियाद होंगे। तुम इनको अपनी डायरी में लिखते रहो। जी। तुम्हारा दर्जा कुतुब उल अक्ताब का है, यह कोई मामूली दर्जा नहीं। तुम्हारे नीचे कई कुतुब काम कर रहे हैं, उन्हें केवल तुमसे हुक्म मिलेंगे। जो बहुत बड़े काम उनके बस के नहीं हैं, उन्हें तुम खुद करोगे। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिनसे औरों के जज्बातों को ठेस पहुंचे। दूसरों को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी को उम्र की वजह से अपने से बड़ा या छोटा मत मानो, मगर अदब निभाते रहो। तुम्हारे दिमाग में जो फलसफा गूंज रहा है उसे लिखना शुरू कर दो। ख्यालों को बाद में तरतीब किया जा सकता है। हुजूर, हम ख्यालों का ब्यौरा नहीं दे पाते। तुम बहुत अच्छे जुमले बना सकते हो, अभ्यास से तुम्हारा हुनर बढ़ेगा। क्या तुम्हें याद है जब तुम डायरी लिखते थे तो पन्ने पर पन्ने भर डालते थे? लिखना शुरू कर दो। आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान का मतलब मेरे ख्याल से यह है कि जो बर्ताव हम दूसरों से नहीं पाना चाहते वो हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ये पुराने जमाने की बात है, सतयुग की। अब इसका मतलब कुछ और है। हर एक को एक दूसरे से अलगाव के साथ रहना चाहिए। मतलब भर की बात करनी चाहिए। हर ऐरे गैरे को अपना जाति राज नहीं बताना चाहिए। अपने को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरे अपनी तहजीब भूल जाए। ये सब बातें आत्मसम्मान के दायरे में आती हैं। ख्याल में बहुत ज्यादा ताकत है। अगर मन कुदरतन बुराई की तरफ घूम जाता है तो तुरंत एक अच्छा ख्याल मन में लो ताकि समता आ जाए। जो तुमसे जुड़े हुए हैं उनकी भलाई के लिए दुआ करो ताकि उनके बारे में कोई बुरा ख्याल आए भी तो साफ हो जाए। दुआ सीधे दिल से की जानी चाहिए। रूहानी तालीम पहले हृदय प्रदेश से शुरू होती है। अभ्यासी को इस प्रदेश में काफी वक्त तक रखा जाता है। यह अहम है कि जब तक अभ्यासी गुरु की मदद से इस प्रदेश को खुद पार न कर ले उसे आगे की पहुंच नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से जड़ मजबूत हो जाती है और गिरने का खतरा नहीं रहता। आज तुमने महापारिषद की दशा का एक बड़ा हिस्सा पार कर लिया है। कल तक तुम इसे पार कर लोगे। परसों मैं तुम्हें परम सत्ता से जोड़ दूंगा। इसके बाद वहां तैरते रहना। और क्या चाहिए? जब दो दीवाने मिलते हैं तब कितना खूबसूरत मौका होता है। तुम्हारे साहब, आज स्कूल जाना तो अच्छा रहा। जी बाबूजी। लेकिन स्कूल में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। जी। मेरा मानना यह है कि आगे चलकर लड़कियों की पढ़ाई बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, हमें लड़कियों की पढ़ाई पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हाँ, और खासकर गांव में।
यहाँ पर लोग अभी भी कम ही भेजते हैं लड़कियों को पढ़ने के लिए। वो देखिए पुअर्थी जा रही है, आप बता सकते हैं इस समय उसकी रूह कहाँ है? बाबूजी मुझे कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा है। अब देखिए हाँ बाबूजी, मुझे अब रूह शरीर के ऊपर चलती हुई नजर आ रही है और उसकी रूह उसके शरीर के ऊपर नीचे तैर रही है। हाँ यह सही अनुभव है। रूह का लगाव जिस्म से इतना ज्यादा हो जाता है कि वो मौत के बाद भी उसे नहीं छोड़ती है। इस मामले में हिंदू बड़े चालाक हैं। वो क्या करते हैं कि शरीर को नष्ट कर देते हैं जिससे कि उसका लगाव खत्म हो जाता है और रूह आगे बढ़ जाती है। खुदा का व्युत्पत्तीय मतलब है वो जिसने खुद को जाहिर किया है और सारी चीजें बाद में वजूद में आई। हिंदुओं ने ईश्वर के बाद की शक्ति को माया या महामाया का नाम दिया है। साहब क्षीर सागर में आदिशेष पर लेटे हुए भगवान लक्ष्मी से अपना पैर दबवाते हुए भगवान विष्णु का मतलब और अहमियत क्या है? ये तस्वीर केवल समझाने के लिए है। क्षीर सागर का मतलब है रूहानियत का सागर। आदिशेष से नाग इंद्रिक इच्छाओं को दिखाया गया है और प्रभु के चरणों को दबाती हुई लक्ष्मी से माया की ओर इशारा किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो अपनी विषय इच्छाओं पर विजय पा लेता है माया उसकी दासी हो जाती है। रामचंद्र अब पूज्य भगवान श्री कृष्ण तुमसे सीधे बात करना चाहते हैं। प्रणाम भगवान। रामचंद्र लाला जी महाराज की तरह हम भी तुम्हें कई बातें बताएंगे और तुम्हें कई आध्यात्मिक काम भी सौंपेंगे। हमें आशा है कि तुम इन कामों को कर्तव्यबद्ध होकर निभाओगे। जब भी तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता होगी तुम हमें बुला लेना। महाभारत में आलोचनापूर्ण संशोधनों की आवश्यकता है। हमने अर्जुन को विराट की दशा दिखाई थी जहां भौतिक संसार में घटित होने से पहले घटनाएं प्रकट होती हैं। जिस तरह आज तुम पर ये बातें आया हो रही हैं ठीक उसी तरह चारों वेद भी जाहिर किए गए थे, फकत तरीका वक्त के साथ बदल गया है। हालांकि मांसाहार स्वास्थ्य के लिए लाभकर है, ईश्वर की खोज करने वालों को मांस नहीं खाना चाहिए, ये उनके लिए हानिकारक है। मुझे राधा से अधिक किसी ने प्रेम नहीं किया, उसके बाद गोपियां थी। रासलीला की कथाएं बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई हैं। श्रृंगारी कवियों ने इस विषय में अपनी कल्पना को पूरी छूट दे दी। भीष्म से बढ़कर किसी और ने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया। उनका उदाहरण केवल दशरथ पुत्र रामचंद्र के बाद आता है। वेदों में भी कई क्षेपक हैं। खुदा एक ही है, उसकी वाहदानियत को कबूल करो। इबादत के फजूल तरीकों को छोड़ दो। इबादत सिर्फ उसकी करनी चाहिए जो इबादत के लायक है, यानी कि खुदा। कट्टरपन से दूर रहो, अपने गुरु का एहतराम करो। जिनसे औरों का भला हो ऐसे अदब के उसूलों को मानो। अपनी रही और तौर तरीकों को सादा रखो। बुत परस्ती जड़ता पैदा करती है और दिल को विकृत करती है। अपनी संस्था का नाम सहज मार्ग रखो। ख्याल रहे कि इसमें किसी तरह का मायावीपन शामिल न हो पाए जो आगे जाकर इसे नुकसान पहुंचाए। मैं यमुना नदी से बहुत प्रेम करता था। इसके किनारों पर मैं बहुत खेला कूदा हूं। हालांकि इसका अस्तित्व एक नदी से ज्यादा कुछ नहीं है, परंतु यहाँ का दृश्य इतना मोहक है कि मथुरा में रहने का मन हो जाता है।
नदी का बहाव बदलने का प्रयास करो। जो लाल मस्जिद तुम्हें नजर आती है उसके पास मेरा जन्म स्थान है। कंस के समय यहाँ एक कारागृह था, यहाँ मेरी माता कैद थी। नंदगांव में एक स्थान है जहाँ एक धोबी घाट है। तुम्हारे ससुर के घर के पास एक टीला है, कुब्ज का कुआं पाट दिया गया है। मथुरा को नूरे इलाही से रोशन कर दो और जमुना नदी का बहाव बदल दो। यमुना पर बने पुल के करीब ही एक गर्म पानी का सोता भी है। मेरी हिदायत है कि जो काम तुम्हें सौंपे जा रहे हैं उन्हें एक ही साथ करने की कोशिश न करना, इससे तुम्हारी सेहत पर असर पड़ सकता है। वृंदावन और मथुरा का काम पूरा हुआ। ज्यादातर मंदिरों का माहौल साफ हो गया है। लालाजी महाराज के हुक्म के अनुसार वृंदावन का राधा कुंड भी पाक हो चुका। लोगों को मालूम नहीं मगर यहाँ ऐसी कितनी ही जगह हैं जहाँ कदम कदम पर श्री कृष्ण के नूर की बौछार हो रही है। जमीन से मानो नूर फूट पड़ा हो जैसे। अब हमें महा बन जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान श्री कृष्ण किसी ऊंची जगह पर बैठकर बंसी बजा रहे हैं और ग्वाल बाल उन्हें घेरे हुए हैं। तुम्हारी खोज सही है, ऐसा ही होता था। यहां का काम पूरा हुआ, अब तुम रामेश्वरम तक जाओ। समय बदल रहा है और हम तुम्हें पहले बहुत जरूरी काम सौंपना चाहते हैं। कुदरत की सारी कुव्वतें तुम्हारे सुपुर्द कर दी गई हैं। सफर के बीच में तुम्हें इसके ब्यौरे मिलते रहेंगे। जमीन पर पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, तीर्थ स्थान धीरे धीरे मैले हो रहे हैं, आबो हवा की हालत बिगड़ती जा रही है, लोग हसरतों के गुलाम होते जा रहे हैं, जात पात पर नाज और घमंड बढ़ता जा रहा है, रहमदली और मोहब्बत मिट रही है, मतलब परस्ती, दोगलापन और दगाबाजी लोगों के दिलों में घर कर गई है। ये सभी नुक्स तुम्हें दूर करने होंगे। इसके बारे में वक्त दर वक्त तुम्हें मशवरे भी दिए जाएंगे। आगे का आध्यात्मिक कार्य तुम दक्षिण से प्रारंभ करो, क्योंकि समुद्र से सर्वप्रथम दक्षिण का पठार ही बाहर निकला था और यहीं से भारत की सभ्यता का उदय हुआ था। रामचंद्र, राधा जी और स्वामी विवेकानंद तुमसे सीधे बात करना चाहते हैं। ध्यान की विधि जो मैंने और स्वामी विवेकानंद ने अपनाई थी वो सर्वथा वही है जो तुम्हारी संस्था में अपनाई जाती है। मेरी संस्थाओं के कुशल क्षेम का ध्यान भी तुम्ही को रखना होगा। जो आज्ञा। कबीर साहब भी तुमसे बात करेंगे। जी हुजूर। रामचंद्र, तुम्हें मेरे मिशन को दुरुस्त करना होगा। जी। चैतन्य महाप्रभु भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरी सारी आशाएं तुम पर टिकी हुई है, तुम्हें मेरा काम भी अपने हाथ में ले लेना चाहिए। मैं तुम्हें उड़ीसा जाने की आज्ञा देता हूं। जी हुजूर। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी ताकत आध्यात्मिक कामों के लिए तुम्हें सौंप दी है। अगस्त्य मुनि से खबर आई है कि दक्षिण में तुम्हारे काम के लिए इलाका तैयार है और तुम्हें जल्द से जल्द वहां का रुख करना होगा। जो आज्ञा। रामचंद्र, दक्षिण भारत की यात्रा पर निकलो और इन सब जगहों को रोशन करो। रामेश्वरम, मदुरई, त्रिवेंद्रम, कुमारी द्वीप, बैंगलोर, मैसूर, हसन, हैदराबाद, ये सब काम करते हुए वापस दिल्ली पहुंचो। तुमने दक्षिण भारत में वो काम किया है जिसको देखने के लिए आंखें चाहिए। तुम्हें जो भी हुक्म दिए गए तुमने उन सारे हुक्मों को माना, और तुम्हारे काम की ये खूबी है कि हर जगह तुमने कोई रोक लगा दी है ताकि किए गए काम को कोई बेकार न कर सके।
तुम्हारी समझ तारीफ के काबिल है। भक्तों में तुम्हें प्रथम स्थान दिया गया है। तुमने ऐसे करिश्मे कर दिखाए हैं जिसका तुम्हें भी पता नहीं है। तुम पर राधा जी का भी प्रेम है। तुम इतने भाग्यवान हो कि राधा जी ने तुम्हें पुत्रवत स्वीकार किया है। तुम्हें भी उनसे मां के समान प्यार करना चाहिए। मेरे दिल में संजोई इच्छा आज पूरी हो गई, तुम्हें इस तरह ढालने के लिए कि सबकी आंखें तुम पर जमी हैं। मैं तुम्हारे गुरु को बधाई देता हूँ, तुम मुझसे भी सीधे आदेश पाओगे। स्पेशल पर्सनालिटी क्या है? किसी विशेष कार्य के लिए विशेष शक्ति प्रकृति में ऊपर से उतर कर आती है और गुप्त रूप से किसी विशिष्ट व्यक्ति के अंदर काम करती है। उसको अवतार का पद प्राप्त रहता है। जब अवसर आता है तो उसके आदेशों के अंतर्गत एक एक अणु की शक्ति काम करने लगती है। मैं अगस्त्य मुनि, फतेहगढ़ में भंडारे के समय श्री कृष्ण के आदेशानुसार आपके साथ रहूंगा। भंडारे के समय भारत के सभी दिवंगत संतों को तुम्हारे साथ रहने के आदेश मैंने दे दिए हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो भी इच्छा या ख्याल उठेंगे, अच्छे या बुरे, उन्हें मैं पूरा करूंगा। उत्तराधिकार के लिए मैंने तुम्हारी बहुत कड़ी परीक्षा ली है और तुम सब में खरे उतरे। मेरी जिद है कि तुम मुझसे कोई इनाम मांगो। साहब, जब तक दुनिया कायम है तब तक आपका नाम सूर्य की तरह रोशन रहे। तुम अपनी जिंदगी में किसी और का ऐसा कड़ा इम्तिहान न लेना। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने अपने पास बचाकर कुछ नहीं रखा है। जो कुछ मेरे पास था वो सब मैंने तुम्हें दे डाला है। यहां तक कि मैंने खुद को भी तुम्हारे पास गिरवी रख दिया है। जब मैंने तुमसे पूछा कि मैं तुम्हें क्या दूं, तो तुम्हारा उत्तर था वही कृपा की छाया जो आज तक आप मुझे देते रहे। मैं तुम्हारी इस प्रार्थना पर बहुत खुश हूं। लाला जी ने तुम्हें शासन सत्ता दे दी है। गुलाम को सत्ता दे दी भी जाए तो गुलाम तो गुलाम ही रहेगा। अनुग्रह की नदी की बाढ़ आ गई है। आदेश दे दिए गए हैं कि प्रत्येक क्षण शक्तियों का अवतरण हो। ये तुम्हारे गुरु की योग्यता है कि उन्होंने तुम्हारा हृदय इतना दृढ़ बनाया है कि वो उन शक्तियों को धारण कर सकता है। इस समय परम सत्ता की धारा तुम में उतरने लगी है और ये वादा तुम्हारे जीवन भर के लिए है। अब मैं भाई पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्रा, जो लाला जी महाराज के बनाए हुए प्रशिक्षक हैं, से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पे आए और कुछ कहें। भाई रामेश्वर प्रसाद मिश्रा। भाइयों, मुझे ये जिम्मा सौंपा गया है कि मैं लाला जी साहब का पैगाम आप सबके सामने पढ़ूं। वे कहते हैं, मैंने शाहजहाँपुर के श्री रामचंद्र जी को अपना वारिस, आलिया और नुमाइंदा मुकर्रर किया है। मैं इसके आगे हुक्म देता हूँ कि जो मुझे प्यार करते हैं अब इन्हें प्यार करें। उनकी भलाई अब इसी में है। जो इन्हें प्यार करेंगे मैं उन्हें तरक्की दूंगा और उन पर प्यार बरसाऊंगा, और जो इनकी मुखालिफात करेंगे वो मुझसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। भाइयों, मैं अब आप सब से निवेदन करता हूँ कि हम सब श्री रामचंद्र जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करें। धन्वंतरी जी भी तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम्हें दो पौधे जरूर लगाने चाहिए जिनके लाभ अनगिनत हैं, तुलसी और मारवा। अगर ये पौधे गमलों में बच्चों के पास रखे जाएं, तो वे बहुतेरी बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर ये पौधे बहुतायत में लगाए जाएं, तो वातावरण शुद्ध होगा। अगर कोई दिन में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो विचारों की गर्मी निकल जाती है, परंतु इसे घर से कुछ दूर लगाना चाहिए।
नीम का पेड़ हर परिस्थिति में लाभप्रद है। मिशन को कायम करो और इसे रजिस्टर करा दो। इसका प्रधान कार्यालय शाहजहांपुर में होगा और जब तक मैं इसका हुक्म ना दूं, ये नहीं बदलेगा। बाकी जगहों को केंद्र कहा जाएगा। श्री रामचंद्र मिशन इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, एक्ट नंबर 21 ऑफ 1860 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस एप्लीकेबल इन यूपी, वाइड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर 46 ऑफ 1945-46, डेट 21 जुलाई 1945, इशूड बाय रजिस्ट्रार सोसाइटी लखनऊ यूपी। लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट वर्किंग कमिटी, महात्मा रामचंद्र जी, महात्मा मदन मोहन लाल जी, बी हरिहर सहाय, पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्रा, विश्वनाथ टंडन, बी करुणाशंकर, बी मदन मोहन लाल, ईश्वर सहाय, रामचंद्र सक्सेना। आपका मिशन रजिस्टर हो चुका है और ये रही आपकी प्रति। अध्यात्म के लिए जहर क्या है? गुस्सा। जब तक इस बीमारी से छुटकारा ना मिले, मिताचार कभी प्राप्त नहीं हो सकता। गुस्से का हम पर असर क्या पड़ता है? जिस्मो जा में एक भारीपन सा महसूस होता है और एक तनाव सा पैदा होता है। ये स्वतंत्रता और सूक्ष्म धारा को अंदर नहीं आने देता, ख्यालों में लगातार रहता है। गुस्से से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? मैं एक शरीन, बाअदब और नर्म मिजाजी शख्स हूं, ऐसा सोचना चाहिए। खुद को ऐसा बना लेना चाहिए कि तमाम जिस्मों जहां पर एक ही रंग चढ़ गया हो। जैसे आध्यात्म में ठंडे दिमाग और नर्म मिजाजी की जरूरत होती है। दिल इतना कोमल होता है कि जरा सी हवा के झोंके से कुंभलाने लगता है। अगले साल जून में बनारस और उड़ीसा चले जाओ। तुम्हारे सामने कल्पनातीत काम पड़ा है और उसे तुम्हें अपने जीवन काल में ही पूरा करना पड़ेगा। अपनी विशेष शक्तियों को काम में लेकर आगे के काम के लिए लोगों को जल्द से जल्द तैयार करो। सच्चे मन की अवस्था वो है जिसमें सच का विचार भी नहीं रहता। ये पूर्णता से मिलता जुलता है। ये केवल तभी आता है जब सब कुछ एक ही तत्व में जुड़ जाता है, अन्य कुछ भी नहीं बचता। अपने खुद से बाहर, दूर और निकट के पदार्थों में सुख नहीं रहता। आदर्श तक पहुंचने की तड़प इसमें बहुत मदद करेगी। नमी गोयम की अज दुनिया जुदा बश, भर करे की बशीबा खुदा बश। यानी मैं तुमसे यह नहीं मांगता कि तुम खुद को दुनिया से अलग कर दो, पर हर चीज को दिव्यता के ख्याल में रख कर करो। अब मैं तुम्हें इस पद्धति, जिसे हमने सहज मार्ग का नाम दिया है, इसके लिए एक प्रार्थना देता हूं। ओ मास्टर, दाउ आर्ट द रियल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। वी आर येट बट स्लेव्स ऑफ विशेस, पुटिंग बार टू अवर एडवांसमेंट। Thou art the only God and power to bring us up to that stage. मिशन के चिन्ह में उगता सूर्य आध्यात्मिक युग को दर्शाता है, जो लालाजी महाराज ने शुरू किया था। ये इस बात को भी दर्शाता है कि पूरी साधना के अंतराल पर इसका पूर्ण नियंत्रण है। रामचंद्र,
गौतम बुद्ध तुमसे बात करना चाहते हैं। रामचंद्र, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। अगर कहीं अब मिली भी तो मेरे सिर्फ दिल के अंदर। मैंने अपना जीवन जंगल में बिताया, मैंने न जाने और क्या क्या किया, तब जाकर कहीं मुझे निर्वाण की खुशबू मिली। आखिर में मुझे वो चीज मिली जिसकी आशा मैंने बहुत अरसे से लगा रखी थी। इसके लिए मैंने बहुत अभ्यास किया, दुख और क्लेश सहे, निरर्थक विचारों के विरुद्ध संघर्ष किया, झाड़ झंकाड़ साफ किए, तब मुझे यह प्रकाश मिला। जैसे ही उसका आविर्भाव हुआ, सारे कष्ट गायब हो गए, पूरे अस्तित्व में शांति व्याप्त हो गई। वस्तुतः यह बहुत गहरी थी। सच कहूं तो यह खुशबू विशुद्ध निर्वाण की है। क्योंकि तुम्हें वो मुफ्त में मिल गई, तुम्हें उसकी सही कीमत का पता नहीं लगा, झाड़ झंकाड़ साफ करने की कोशिश नहीं की गई, भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया गया। इसको गुरु की इच्छा और कृपा की देन माना जा सकता है। प्यारे भाई, पवित्रता तो तभी आएगी जब झाड़ झंकाड़ साफ कर दिए जाएंगे। उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अभ्यास की यह विधि सहज मार्ग इतनी आसान बना दी गई है कि इसकी महिमा घट गई है। मेरी राय में तुम्हारे गुरु जैसा गुरु कभी पैदा नहीं हुआ। इस हद तक किसी ने त्याग नहीं किया। उनकी सादगी बेमिसाल थी और उनका प्रेम असीम था। यह बातें ऐसी हैं कि जिस किसी में भी यह मिले उसके बारे में यही कहा जाएगा कि वो आध्यात्म की चोटी पर है। दूसरों की राय का इसमें कोई मतलब ही नहीं है। हमारे ऋषियों ने प्रत्येक मंत्र में शांति की याचना की है। क्यों? क्योंकि यही असली तत्व है। अगर कोई शांति के पाठ पढ़ना चाहता हो तो यहां आए। यही परम सत्य है। किसी ने ये चिंता नहीं की कि ये हालत क्या है। उन्होंने केवल इसका निचोड़ जाना है। ये वो चीज है जिसकी तलाश में ऋषि मुनि जंगलों में भटकते रहे और जिसके लिए राजाओं ने अपने सिंहासन तक ठुकरा दिए। शांति का हमेशा सर्वाधिक जोर रहा है। बाबूजी, पिछले साल नवंबर महीने में जो आपने राजपूताना, जयपुर, आगरा की यात्रा की थी, कैसी रही आपकी यात्रा? ठाकुर साहब जी, वो सब तो लाला जी साहब का काम है और उन्हीं के हुक्म से होता है। मैं हम बता रहे हैं, लाला जी महाराज ने हमें कुछ काम दिया है और उसके लिए 3 महीने की छुट्टी भी लेने का हुक्म दिया है। इसीलिए हम 1945 के पहले 3 महीने की छुट्टी लेकर उन्हीं का काम करते रहे। और भाई, लाला जी ने हमें प्रार्थना भी दी है, लोग उसका मंत्र की तरह न इस्तेमाल करें। वो सिर्फ सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ही की जानी चाहिए। भाई, अब तो लाला जी महाराज की कृपा से हमने बड़ी भीड़ को भी तवज्जो देने की विधि निकाल ली है। बाबूजी, अभ्यासियों में क्या क्या गुण होने चाहिए? उसे आदतन हल्कापन पसंद हो, उसमें फर्ज निभाने का जज्बा हो, उसे दूसरों का लिहाज और बड़ों का आदर करना आता हो, बुद्धि में वो ठीक हो और सच बात उसे फितरतन पसंद हो। बाबूजी, सही मायने में भक्त किसे कहते हैं?
देखिए भाई, लाला जी साहब कह रहे हैं कि असली भक्त वो है जो अपने किसी फायदे या मदद के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए प्यार करता है। वो हमेशा उसकी इच्छा की तरफ पूरी तरह से समर्पण की हालत में रहता है, समझे? कंप्लीट सरेंडर। बाबूजी महाराज, आज रात जो आप हमारे यहाँ ठहरे, जो इज्जत आपने हमें दी, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। देखिए ठाकुर दौलत सिंह जी, लाला जी के हुक्म से जो किताब 10 उसूलों की सरह हमने लिखनी शुरू की थी, वो हम यहीं पर ख़त्म करके जाएंगे। इल्तिमास, मैंने उन रूहानी राजों को जो अब तक सीना बसीना चले आते थे, अल्फाज में बांध कर किताब की शक्ल में लाने की कोशिश की है, मगर चूंकि ये मामलात तजुर्बे से ताल्लुक़ रखते हैं, जो नेचर के मुताले पे मुनासिर हैं और जिनका इनकशाफ बजरी वाइब्रेशन होता है, लिहाजा इनका इजहार अल्फाज में न सिर्फ मुश्किल बसौकत गैर मुमकिन हो जाता है। मोहब्बत मानी वो अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये ऐसी हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। इस लिहाज से मुनासिब है कि अल्फाज की तरतीब और इबारत की बंदिश की खामियों को नज़रअंदाज करते हुए शैकीन असल मफहूम समझने की कोशिश करें और उसे खुद मुस्तफैज होकर दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के कोशा हूं। 4 दिसंबर 1946। हमरे तो भागे खोटे हैं, जान परत है कि यहाँ शरण लिए हैं हुक्के खातिर। इनका हुक्का बनाओ, इनकी बातें सुनो, मालन मालन मंत्र जपते रहे हैं। मालन हुक्का, मालन हुक्का। हाँ, यहाँ आग ना जले, आग ना तपे, तो इनका हुक्का कैस बनी। हाँ, अब सुलगा है इनका। सुलग गवा हुक्का, अब देव इनका ई हुक्का। तब कही है मालन तुमरे ही हाथ का हुक्का सबसे नीक लागे। ले पियो हुक्का, अब 5 मिनट के बाद फिर ना कहियो कि मालन हुक्का। हाँ। संसार का रुख पलटा है, विनाश के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। अब क्रम कुछ भिन्न होगा, दरारें पड़ेंगी, काफी विनाश होने के बाद ही अच्छे दिन आएंगे। रामचंद्र, हनुमान जी महाराज तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरी संकल्प शक्ति बहुत प्रबल थी, मैंने सागर की उस गैस से लंका दहन किया जिसकी काट रावण के पास नहीं थी। लंका के चारों ओर ये गैस विपुलता में मौजूद है। मैंने अपनी संकल्प शक्ति से उसे महासागर से निकाला और लंका की ओर प्रेरित किया। लंका सोने की नगरी थी, ऐसा कहना मूर्खता है। इसका केवल इतना अर्थ है कि उसके जैसा सुंदर और कोई नगर नहीं था। रामचंद्र, योगीराज शंकर तुमसे बात करेंगे। मैंने योगिक शक्ति द्वारा अपने शरीर का कई बार कायाकल्प किया। मैं बहुत दिनों तक जीवित रहा। जब भी मैं चाहता था यौगिक शक्ति द्वारा युवा हो जाता था। कैलाश मेरा निवास स्थान था, मैं वहीं रहकर योगा अभ्यास करता था। साधना के संबंध में बहुत से महान ऋषि मुझसे स्पष्टीकरण प्राप्त करते थे। रावण मेरा शिष्य था, उसने शक्तियां प्राप्त की और उनका
दुरुपयोग किया। उसकी बुद्धि विकार युक्त थी। उसके पास वे सिद्धियां थीं जिसे पंचाग्नि विद्या कहा जाता है। इसके आगे उसका अधिकार नहीं था। रामचंद्र, गांधी जी की आत्मा की शांति के लिए ध्यान में बैठो। ईश्वर की इच्छा का पालन करना ही पड़ता है, कोई इसे भंग नहीं कर सकता। संसार में जो घटित हो रहा है उसकी चिंता मत करो, जो काम तुम्हें सौंपा गया है तुम उसे करो। घटनाओं को लेकर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चों, क्या तुम्हें गांधी जी की मृत्यु से धक्का लगा? स्वभावतः लगना भी चाहिए। वे एक महान पुरुष थे, एक महान राजनीतिज्ञ, जिनको विश्व उनके काम के लिए याद करेगा। भारत को भविष्य में ऐसा महान राजनीतिज्ञ देखने को नहीं मिलेगा। लालाजी महाराज की कृपा से हमारी पत्नी को मुक्ति मिल गई है। हमें अपना जिस्म छोड़ने तक उसकी अस्थियां बचाए रखने का हुक्म दिया गया है। गुरु की इबादत सारी बीमारियों की अक्सीर दवा है, और जो लोग अपना समय फालतू जाया कर रहे हैं, अगर उनमें फर्ज निभाने का थोड़ा सा भी जज्बा है तो बाद में जरूर अफसोस करेंगे। लाला जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु के हुक्म का पालन पूजा से भी कहीं बढ़कर होता है, और जो भी लाला जी महाराज के हुक्म को मानता है, आगे बढ़ाता है, मैं उसकी तरफ खुद बखुद खींचा चला जाता हूँ। बाबूजी, संस्कारों का बनना कैसे रोका जाए? अगर हम अपने दिल में ये जज्बा लाएं कि ये काम हमारी जगह हमारे गुरु कर रहे हैं, तो हम कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस में रहते हैं और वो काम हमारे ऊपर कोई असर नहीं डालता है, और इस तरह जल्द ही हमारे संस्कारों का बनना रुक जाता है और हम बता रहे हैं कि अगर ये तकनीक अच्छे से अपनाई जाए तो हर वक्त गुरु का अंदर और बाहर एक एहसास महसूस होता है। कस्तूरी बिटिया और तुम, हम तुम दोनों को एक खास काम सौंप रहे हैं। कल जो अभ्यासी दक्षिण भारत से पहली बार आ रहे हैं उनका थोड़ा ख्याल रखना। ये सब लाला जी महाराज की मेहरबानी है कि अब हमारी संस्था दक्षिण भारत में भी जाके फैल रही है। हम उनके हुक्म से 1945 में जाके वहाँ पे ट्रांसमिट किए थे, और देखो अब जाकर उसका असर दिख रहा है। तुम लोगों को उनका पूरा ख्याल रखना है। वो खाने में चावल ज़्यादा पसंद करते हैं और खाने के साथ दही भी ज़रूर लेते हैं। जी गुरुजी। तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। बाबूजी, उनके रहने और खाने का सारा इंतज़ाम कर दिया है। आप निश्चिंत रहिए, हम लोग सारा काम संभाल लेंगे। चौबे जी। जी बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। भाई, 3 दिन बाद बसंत है, और ये आप 1.5 रुपए रखिए। धन्यवाद बाबूजी। बाबूजी, आप हर साल बसंत में इन लोगों को 1.5 रुपया क्यों देते हैं? भाई देखो, हम बहुत मतलबी हैं। हम तो 8 आने इसलिए देते हैं क्योंकि वो चौबे हैं,
और उसको मिठाई बहुत पसंद है। और 1 रुपया हम पतंग उड़ाने को इसलिए देते हैं क्योंकि फिर सारे बच्चे उसके साथ पतंग उड़ाने लगते हैं और इससे शोर कम हो जाता है और पूजा में मदद मिलती है। तो भाई हम हुए ना मतलबी। पूजा शुरू कीजिए। बस कीजिए। काशी राम जी जी, इसको पहले बच्चों में बांट दीजिए। अच्छा। आज बसंत पंचमी का दिन है और बाबूजी महाराज के आदरणीय मालिक और हम सबके आदि गुरु लाला जी महाराज का जन्मदिन है। ये दिन हम सब भंडारे के रूप में मनाते हैं। अब पूजा के बाद आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए और उसके बाद हम सब बाबूजी के साथ हवन में बैठेंगे। 12 बजे दोपहर के खाने का इंतज़ाम होगा। शाम की पूजा 6:30 बजे से होगी और रात का खाना 8:30 बजे से मिलेगा। आप सभी से आशा है कि हम सब इस पवित्र दिन के आध्यात्मिक माहौल में डूबकर उसका पूरा लाभ उठाएंगे। ये क्या बन रहा है? आलू टमाटर की सब्जी बन रही है और धनिया मिर्च की चटनी। केसर बेटी आप क्या बना रहे हो? बाबूजी हम गंगा फल बना रहे हैं। और आपकी मनपसंद घुइया की सब्जी भी बन रही है। अच्छा अच्छा। बहुत स्वादिष्ट प्रसाद है, थोड़ा और मिलेगा? ये प्रसाद है भैया, बाबूजी ने कहा है प्रसाद उतना लेना चाहिए जिससे कि मल ना बने। जी Thank you.
बाबूजी अब बहुत देर हो चुकी है, चलिए अब आप खाना खा लीजिए। केसर बिटिया हम क्लीनिंग कर रहे हैं, तुम जाओ हम बाद में खा लेंगे। अच्छा बाबूजी। अरे केसर बिटिया। जी अम्मा। रामचंद्र आया नहीं? नहीं बाबूजी, सफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। तनिक तुम जाकर खाना लगाओ जी, हम कस्तूरी बिटिया को भेजते हैं। जी अच्छा। कस्तूरी बिटिया। जी माता जी। तनिक इधर तो आओ। जी आई। कहिए माता जी। तुम जाकर जरा रामचंद्र को बुला के लाओ, बहुत रात हो गई है, सब लोग खा चुके हैं और हम इंतजार कर रहे हैं। जी अभी बुलाती हूँ। बाबूजी ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो स्वीपर का काम है, आप खाना खाने आ जाइए। कस्तूरी बिटिया मालिक का काम भी तो स्वीपर का है, तुम जाओ हम बाद में आएंगे। ठीक है बाबूजी। भाई वो माट साहब को जरा बुला दो, एक लेटर डिक्टेट करवाना है। बाबूजी वो तो घर चले गए। अरे काशीराम जी। जी बाबूजी। यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखना है, जरा आप लिख देंगे, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। जी। डियर सर, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर बुलेटिन एंड आई पोर फॉर्थ ए वार्म रिगार्ड्स फॉर द अवेकनिंग फॉर द पीस क्रिएटेड अमंग अवर ब्रदरन ऑफ द वर्ल्ड। The idea of peace, common in all minds, though shattered by the self of the individual mind, is working on individualistic basis to gain one's own end on account of the narrow-mindedness of people, to dissipate the idea of individual self and to work harmoniously for the common good is the demand of the time. The conferences and meetings held for the purpose may only be like a spark to offer a temporary glow to the scattered fragments of peace. These cries in the wilderness will not carry far on the path of success because of the material agony of faith working at the bottom. Unless the foundation of peace is made to rest on a spiritual basis, no better prospect can be expected. It is but definite and certain that sooner or later we will have to adopt spiritual principles if we want to maintain our existence. Arrogance cannot be stopped by material force. It is only the spiritual force which can remove the causes of war from the minds of people. How to introduce these things among the masses who are not yet familiar with the accuracy of the mark is the next problem and is equally intricate. If my opinion were to be invited, I would lay down the simplest possible method as given below. Let us all brothers and sisters sit daily at a fixed hour individually at our respective places and meditate for about an hour, thinking that all people of the world are growing peace-loving and pious. This process suggested not with exclusively spiritual motives is highly efficacious in bringing about the desired results and weaving the destiny of miserable millions. With prayer for the success of your noble mission, yours, Ramchandra, President, Shri Ramchandra Mission, Shahjahanpur, UP, dated 8th July 1957. Babuji, लोग आते हैं और यहाँ तमाशाई होते हैं। हाँ भाई, लोग हज करने भी जाते हैं। वैसे यहाँ भी आ सकते हैं, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। ये तो वैसा ही है जैसे कि मक्का गए मदीना गए बन के आए हाजी, पुरानी आदत एको न गई, रहे पाजी के पाजी। हुजूर इस दरे दौलत पर तो लाखों गधे आते होंगे। हाँ भाई आते तो हैं, लेकिन हम उन्हें इंसान बनाकर वापस भेज देते हैं।
पता है गधे को गधा क्यों कहा जाता है? एक कैफियत तो यह है कि गधा अपना घर भूल जाता है और वापस नहीं पहुंच पाता। दूसरी कैफियत यह है कि वो हरियाली देखकर दुखी होता है और सूखा देखकर खुश होता है। हरियाली देखकर सोचता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं और सूखा देखकर सोचता है कि मैंने सब कुछ खा लिया है। बाबूजी, मेरे मन में बहुत सवाल उठते रहते हैं। हम बता सकते हैं कि आपके मन में इतने सवाल आते कहाँ से हैं? बताइए। इतने सवाल आते हैं क्योंकि आप कुछ करते धरते हैं ही नहीं। वैसे करते धरते तो हम भी कुछ नहीं हैं। देखा, एक चोर ने दूसरे चोर को कैसे पकड़ा। बाबूजी, एक शेर सुनाना है आपको। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। बाबूजी, क्या क्रोध और अहंकार को पूरी तरह मिटाया जा सकता है? देखो भाई, काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह, ये पांच चीजें हैं। इसमें से लोभ और मोह को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है क्योंकि मैन मेड हैं। काम, क्रोध और अहंकार, ये गॉड मेड हैं, इसको पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इनमें मॉडरेशन लाया जा सकता है। ज़रूरत के समय आएंगे और ज़रूरत का अपना काम करेंगे और फिर चले जाएंगे। अगर गुस्से को ख़त्म कर दिया जाए तो आदमी की एक्टिविटी जाती रहेगी और वो निष्क्रिय हो जाएगा। इसी तरह अगर काम को ख़त्म कर दिया जाए तो इंटेलिजेंस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट से जुड़े होते हैं। भाई देखो, ना तो हम किसी को इम्पोर्टेंट बनाना चाहते हैं, ना ही दरिद्र। हम तो बस इंसान को इंसान बनाना चाहते हैं। अगर ईगो को ख़त्म कर दिया जाए तो आदमी की उसी वक्त मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जिसको लिबरेट किया जाता है उसकी भी थोड़ी सी ईगो दबाकर रखी जाती है और इसे आखिरी समय पर साफ किया जाता है। मालन, जरा दूसरा चिलम लेके आना। बाबूजी, गुरु और ईश्वर में अंतर क्या है? ईश्वर के पास मन नहीं है। अगर उसके पास मन होता तो वो भी इंसानों की तरह संस्कारों के चक्कर में आ गया होता और जन्म मरण के बंधन में बन जाता। अल्लाह मियाँ अपने जैसा दूसरा अल्लाह मियाँ नहीं पैदा कर सकते, लेकिन हम अपने जैसे हजारों पैदा कर सकते हैं। ज्यादा हुक्का ना पियो, गला खराब हो जाए। अच्छा अच्छा, इस बार तो भगा दिया डंकिनी को, अगली बार आएगी तो हुक्का ले जाएगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा बाबूजी, बाबूजी, क्या अभ्यासी को और भी किताबें पढ़नी चाहिए? हमारी ये चार किताबें अपने आप में पूरी हैं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो इनके परे है। नमस्ते बाबूजी। नमस्कार। नमस्ते। बाबूजी, कभी कभी ध्यान में चमक दिखती है। जब रियलिटी मैटर को टच करती है तब चमक पैदा होती है। जो लोग महामाया के रीजन से ऊपर होते हैं
वो सिर्फ आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ही चमत्कार दिखा सकते हैं। इसलिए जब हमें सांसारिक कामों में ज़रूरत होती है तब हम उन प्रसेप्टर से कहते हैं जो महामाया के रीजन से नीचे होते हैं। बाबूजी, आपकी पुस्तकों को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये पुस्तकें ट्रांसमिट कर रही हैं। क्या तुम्हें ऐसा अनुभव होता है? हाँ, तभी तो बाबूजी मैं ऐसा कह रहा हूँ। तुम्हारा अनुभव सही है, और ये सबसे ज़्यादा मेरी उस पुस्तक 10 उसूलों की सरह में मिलेगी। ये तो बाबूजी मुझे पता नहीं, इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन आपकी पुस्तकों को पढ़कर ट्रांसमिशन मिलना शुरू हो जाता है। तुम्हें पता है कि ये बात हमारे 10 उसूलों की सरह में ज़्यादा क्यों मिलती है? क्योंकि उस पुस्तक को हमने नहीं लिखा है। क्यों बाबूजी, उसमें नाम तो आपका ही लिखा हुआ है। सुनो, एक बार हमारे गुरु भाई पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्रा जी हमारे पास आए और अनेक प्रकार की बातचीत करने के बाद वो बोले कि भाई साहब, मिशन के 10 उसूलों पे कमेंट्री लिखवा दीजिए। हमने कहा कि भाई ये तो लाला जी साहब की चीज़ है, हम कैसे लिखवा सकते हैं? तो उन्होंने बोला आप लिखवा सकते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है, हमें कुछ समय चाहिए और फिर हम सोचेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, कितना समय चाहिए? हमने 6 महीने का वक्त ले लिया। वो अपनी डायरी में समय लिखे, फिर थोड़ी देर और बात करके चले गए। ठीक 6 महीने बाद वो फिर आए और कागज़ कलम लेकर बोले कि भाई अब लिखवाइए। हमने पूछा कि क्या लिखवाएं? तो उन्होंने बोला कि आपने बोला था कि 10 उसूलों पे कमेंट्री लिखवाएंगे 6 महीने बाद। तो हमने बोला कि भाई हम तो भूल ही गए थे, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं। उन्होंने बोला नहीं नहीं, अब आपको लिखवाना पड़ेगा। तब हमने बोला कि ठीक है लिखिए। मैं बोलता गया और वो लिखते गए, और इस तरह 3 बैठक में 10 उसूलों पे हमने कमेंट्री लिखवा दी। विचार ऊपर से आते गए और हम बोलते रहे। हम तो सिर्फ एक माध्यम थे। 10वें उसूल की कमेंट्री लिखवाने के बाद हमने सोचा कि एक अपेंडिक्स आदि के 2-4 वाक्य और लिखवा दें, पर कोई भी विचार आया ही नहीं। अब आप लोग समझे? जी बाबूजी। बाबूजी, रियलाइजेशन का अनुभव कैसा होता है? क्या इसका आप अनुभव करा सकते हैं? एक बार हमें किसी ने चैलेंज किया था तो हमने उसे 1 मिनट में ही रियलाइजेशन की आखिरी हालत तक पहुंचा दिया था, और फिर हमने अपनी पूरी ताकत खींच ली थी और वो जैसे का तैसा हो गया। ये बात कुछ 1957 की है। उस समय कुछ लोग मुझसे शाहजहांपुर में मिलने आए हुए थे। उनमें से एक ने बोला कि प्राचीन काल में तो ऋषि मुनि मिनटों में ही रियलाइजेशन करा देते थे। हमने कहा कि हाँ भाई, वो लोग करा देते होंगे, हमारे यहाँ तो समय लगता है। और ये कहते कहते हमने उसे रियलाइजेशन की आखिरी हालत तक पहुंचा दिया, और फिर पूछा कि क्या तुम्हारा शरीर है? उसने जवाब दिया नहीं। फिर हमने पूछा कि क्या तुम्हारी आत्मा है? उसने जवाब दिया नहीं। फिर हमने पूछा तो क्या है? तो उसने बोला कुछ नहीं बाबूजी। फिर हमने कहा यही रियलाइजेशन की आखिरी हालत है। फिर हमने अपनी पूरी ताकत वापस खींच ली और वो जैसा था वैसा हो गया, और वो जिद करने लगा कि उसकी हालत परमानेंट कर दी जाए। और हमने उससे बोला कि भाई हम किसी से वादा तो नहीं करते, लेकिन हम तुमसे कर रहे हैं कि ये हालत हम परमानेंट कर देंगे, लेकिन पहले तुम MA पास करके आओ। बाबूजी, यदि आज भी वो आ जाए तो क्या आप उसे कंप्लीट रियलाइजेशन करवा देंगे? हाँ भाई, करा तो देंगे, हमने वादा किया है, लेकिन पहले वो MA पास करके आवे तो सही, हम अपने वादे पे अडिग रहेंगे। कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं जिसका जवाब भी नहीं दिया जा सकता, और जिनका जवाब दें वो समझ में आवे नहीं। एक बार लाला जी साहब से एक सज्जन ने पूछा कि ईश्वर ने क्रिएशन क्यों की? लाला जी साहब बोले, भाई उस वक्त ना तो तुम थे ना हम, नहीं तो मना कर देते। एक बार एक भाई साहब ने लाला जी साहब से पूछा कि भाई आप ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं? लाला जी साहब शांत रहे।
फिर से उन्होंने थोड़ी देर बाद पूछा कि मैंने आपसे पूछा था कि आप ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। लाला जी साहब बोले, हमने शायद आपको उत्तर दे दिया है। एक बार एक बुजुर्ग हमारे पास आए और उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का तरीका हमसे पूछा, तो हमने उनको ईश्वरीय प्रकाश पे ध्यान करने का तरीका बताया, तो वो तुरंत बोले, बस इतना सा ही? इतने से क्या होगा? इससे भगवान नहीं मिल सकता। तो हमने बोला कि भाई अभी बात पूरी नहीं हुई है, रात को 2 बजे उठें, ठंडे पानी से नहाएं, फिर वहीं बाथरूम में बैठकर जमीन या पत्रे पर बैठकर 2 घंटे पूजा करें। तो बड़े खुश होकर बोले कि हाँ, ये हुई ना पूरी विधि, इससे मिल सकता है। लोग लोहे के चने चबाने को तैयार हैं, लेकिन हलवा खाने को नहीं। देखिए नारायणचारी जी, हम आपसे कहते थे ना, वो बात सही है। बाबूजी, डॉक्टर केसी वरदाचारी का पत्र है आपके लिए। काशीराम जी, आप ही पढ़ दीजिए। जी बाबूजी, डॉक्टर केसी वरदाचारी लिखते हैं कि वे काफ़ी हैरान और परेशान हैं ये जानकर कि आपके घर का एक हिस्सा बाढ़ में गिर गया। वे लिखते हैं कि वे हैरान हैं कि मास्टर के घर में ऐसी आपदाएँ कैसे आ सकती हैं। जून 1958 में आपके पुत्र दिनेश ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद अब बाढ़ में आपके घर का हिस्सा ढह गया। वे लिखते हैं कि वे प्रार्थना कर रहे हैं कि वे आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। काशीराम जी, हम आपको उत्तर लिखवाते हैं, आप उनको जवाब दे दीजिए। जी बाबूजी। माय डियर वरदाचारी, फॉर योर कंसोलेशन आई मस्ट से दैट आई डू नॉट फील द लीस्ट डिस्टर्ब by collapse of the house, which was only 28 years old. On the other hand, I feel rather happier in a way. The current of the river, after washing away the railway line close by, had diverted its direct course towards my house, striking the rear wall with full force, and it was but the divine grace that saved the portion of the house which survived. Regarding your letter, that as to how to help me, I think the best way would be to pray that I may remain happy as I am today, even though sky falls upon my head. Affectionately, Ramchandar. Phula bagiya bina na chalo ali. हम हुक्का लेकर आते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल वालिन, कहां मर गई? अरे मालिन, अरे ओ मालिन, का हो? अरे तू यहां बैठी है, हम तो के कहां कहां ढूंढे। तुमसे कहन रहा है ना,
की हुक्का दे दियो। ना बनाम। देख लियो अब, अगर हुक्का ना पहुंचा तब देख लियो तुहार का हसर करत हूं। पता नहीं अपने का काई समझत है। हमार हसर करे हमका बैकुंठ पहुंचे। ये रामचंद्र जी का घर किधर है? वो उधर आगे से बाएं। उस तरफ? हाँ। धन्यवाद। नमस्ते, मैं मद्रास सेंटर से अभ्यासी हूँ। मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। आइए, लेकिन अभी वो आराम कर रहे हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते। आप उनके कमरे में जाकर बैठ सकते हैं। अच्छा, बशर्ते आप उनके आराम में खलल ना डालें। आइए। क्या यही व्यक्ति मुझे लक्ष्य तक ले जाएगा? इन्हें तो शायद चलने फिरने में भी दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती होगी, तो फिर ये मेरी मदद क्या करेंगे? मैं अकेला बरेली से इतनी दूर इनसे मिलने आया ही क्यों? गुरुजी प्रणाम, मैं मद्रास सेंटर से अभ्यासी हूं। भाई साहब, आपका सामान कहाँ है? बाहर सड़क पर एक कार खड़ी है, उसमें रखा है। सुनो भाई, बाहर गाड़ी खड़ी है, उसे इधर बुला लो और उसमें से सामान निकालकर बगल वाले कमरे में रख दो। और हाँ, कुछ चाय नाश्ते का भी बंदोबस्त कर देना।
पानी तैयार है, आप नहा लीजिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं पार्थ सारथी राजगोपालाचारी। मैं ईश्वर सहाय। बैठिए। आपने चाय पी ली? जी हाँ। सब खैरियत? जी। क्या आप प्याज खाते हैं? नहीं, हम प्याज नहीं खाते। खाना तैयार है। चलिए, खाना तैयार है और हमने आपके लिए दही का भी इंतजाम किया है। हमें पता है कि दक्षिण भारतीय लोग दही लेते हैं। मास्टर, एक प्रश्न है। मास्टर, मुक्ति कैसे मिलती है? अगर जिंदगी के आखिरी समय तक कोई संस्कार रह जाए तो वही हमारे अगले जन्म की वजह बन जाता है। इसीलिए मुक्ति पाने के लिए संस्कारों का खत्म होना बहुत जरूरी है। इसके दो तरीके हैं। एक, इसका भोग किया जाए। दूसरा, सद्गुरु अपनी रूहानी ताकत से इसको जला दे। दूसरा तरीका अननेचुरल है और गुरु इसको बहुत ही रेयर कंडीशंस में ही यूज करता है। लाला जी साहब भी इसकी परमिशन नहीं देते। तो क्या बाबूजी, संस्कारों को भोगना ही पड़ता है? ज्यादातर समय गुरु इन संस्कारों का भोग सपनों में ही करा देता है। अगर संस्कारों का भोग करना जरूरी ही है तो गुरु पहले परिस्थितियां पैदा करता है, यानी कि उनको भोग करने की काबिलियत दे देता है। गुरु इनकी इंटेंसिटी कम कर देता है। फर्ज कीजिए कि भाले की नोक लगनी है लेकिन वो एक सुई की चुभा नहीं रह जाती है। कुछ संस्कार इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनका भोग तुरंत ही पैदा हो जाता है। किसी भी काम के कामयाब होने के लिए अनफेलिंग विल की जरूरत होती है। अगर मास्टर पर भरोसा नहीं है तो काम नहीं हो सकता। शक रूहानियत का दुश्मन है। असल में शक ये बताता है कि आपका मास्टर पर भरोसा नहीं है। ठहरने का आमंत्रण इतना सच्चा और स्नेह भरा था कि मेरे पास यहां रुक जाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं रहा। मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है। मेरे पलंग के पास दीवार पर आदि गुरु लालाजी महाराज का चित्र लगा हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लालाजी महाराज मेरी ओर घूर रहे हैं। अंधेरे में भी मुझे लग रहा है जैसे लालाजी महाराज की तीक्ष्ण आंखें मेरी आत्मा को छेदती हुई
मेरे आर पार हो रही है। नमस्ते। नमस्ते। आज आप कुछ जल्दी ही उठ गए। गुरुजी रोज हुक्का पीते हैं क्या? बाबूजी को हुक्का बहुत पसंद है। और दिन की शुरुआत वो हुक्के से ही करते हैं। अच्छा। हम अपने गुरु महाराज को बाबूजी कहते हैं। नमस्ते बाबूजी। गुरुजी प्रणाम। That's all. बाबूजी मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। इतने कम समय में इतना गहरा प्रभाव, ऐसा लग रहा है कि मैं अपना घर छोड़कर किसी लंबी यात्रा पर निकल गया हूँ और अपनों को पीछे छोड़े जा रहा हूँ। आखिर इस व्यक्ति में ऐसा क्या है? So, I came to बाबूजी महाराज and he used to tell us that he was receiving messages from Lalaji Maharaj. I have seen him receiving. I couldn't hear him, of course. He would just like that, you see. And then he would put on his cap. And if he had to do something, he would do something. Sometimes if it wasn't clear, he would sit on the cot and wait for the message to be repeated.